जूते जूते मरलस? नहीं, झूठ बोल रही है। रात को खूंटा से मारते हैं, जूता से नहीं। नहीं देखो यार, तो फिर गलत बात है यार। कम से कम बचाने तो जाना ही चाहिए था। क्यों? रात अगर बलमुआ जूतिया रहा हो तो कोई चूतिया ही होगा जो बचाने के लिए दूसरे के घर में घुसेगा। तो का हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से निचोड़ेंगे नील का कमल। लेकिन कमल तो बीजेपी का है। साले चुपचाप आम आदमी की तरह झाड़ू लगाओ, वरना कांग्रेस वाला एक खींच के देंगे ना, तो MIM के पतंग की तरह उड़ते फिरोगे। साला मुझे देखकर तेरी RJD की लालटेन की तरह जलने क्यों लगता है? मैंने कौन सा तेरे पिछवाड़े में JDU का तीर घुसड़ा है? तो चलो ने यार, नील नितिन मुकेश का नील उधार लेकर उसमें कमल खिलाने का शुरू करते हैं सफर, और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भाषण। कहाँ बैठ गए लही? दहजियों पर बैठ गए लही। अच्छा, तो ये जो आपका दहजरा दहजिया है, ये सीधा बसवड़िया में लैंड किया है क्या? क्या किया है? लैंड? ओ अच्छा, लैंड, मैं समझा। क्या समझा? नहीं, ये अंग्रेजी भाषा कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर देता है। अरे हमरा अपना जान के चिंता नहीं है, तहरा जान के टेंशन बा। हाँ, ये बात सही है, मैडम को अपने जान की चिंता नहीं, इनके जान की चिंता है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार दोनों के पीछे कुत्ता छोड़कर देखो, फिर मैडम जो चप्पल सरिया कर भागेंगी ना, वो फिर देखने ही लायक होगा। नहीं, कुत्ता के डर से तो ये भाई साहब भी भाग सकते हैं ना? नहीं, ये नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि जो कुत्ते के साथ ही पुअरे में सोता हो वो कुत्ते के डर से क्यों भागेगा? देख, मैंने कहा ना कि मैडम भागने में बहुत एक्सपर्ट हैं। अरे भाग खेसारी भाग में पहले इनको ही कास्ट किया गया था, वो तो इन्होंने ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये पहले ही किसी और के साथ भाग चुकी थी। क्या बात कर रही हो? देख बे, मैंने तो पहले ही कहा था कि बंदे का नियत ठीक नहीं लग रहा है, दूर रहा कर इससे। बताओ, मेरे फेसबुक ID पर आकर के मेरे बेटे का फोटो देख करके बोलता है कि इसका शक्ल तो मुझसे मिल रहा है। बताओ क्या बात कर रहा है, तेरे बच्चे का शक्ल तुझसे कैसे मिल सकता है? अरे उसके कहने का मतलब ये था कि मेरे बेटे का शक्ल उससे मिल रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, फिर तो सही बात है। हाँ फिर क्या सही बात है बे? अरे मैडम समझा रही हो कि आइडिया दे रही हो? जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। नहीं मतलब जो बंदा गांजा नहीं पीता है वो नहीं ही पिएगा। नहीं, तुझे कैसे पता नहीं पीता है? कभी देखा नहीं ना पीते हुए। अगर नहीं पीता है तो पता कैसे है कि गांजा ऐसे ही पीते हैं? लो, ये भाई साहब पहले ही से खार खाए बैठे हैं। माल ससुराल जा रही है और ये अलग ही एटीट्यूड में है। जाता रहे तो जो, हम दूसरा फंसा ले। गजब बेइज्जती है। खीसी में नाचा तानी? खीसी में मत नाचो, पीछे जैसी भी है उसमें नाचो। रानी जा भतारक के दीह। नहीं मतलब का चाहते हो, कि पूरा मोहल्ले को दे? नहीं, लॉकडाउन लगा है, मोहल्ला जुटाने पर रोक है। यानी कि मोहल्ले वालों को अभी कुछ दिन और हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे दे क्या रही है?
अब ये तो जिसको मिलेगा वही बता सकता है। नहीं अच्छा धरती, आज भर टाइम बा, क्या बोलता है खाएगा? यही बात वो कल किसी और से बोल रही थी, आज इससे बोल रही है, परसों किसी और से बोलेगी। ऐसे ऐसे करके रोज नया मुर्गा फंसाती है और खुद खा जाती है। का खा जाती है भी? अब वो तो जिसका खाई है वही बता सकता है। नहीं मतलब रात को अचानक से दरवाजा खोल के घर के बाहर आकर किसी औरत को ये कहते हुए सुने हो कि पियावा पलंग पे चढ़त नहीं खे। वो सब तो ठीक है, मगर रात को उस औरत के घर के बाहर ये मैडम क्या कर रही थी? ये मैडम अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, इसके बाद इन्हीं का नंबर था पियावा को पलंग पे चढ़ाने का। एक्सपीरियंस तगड़ा है मैडम का, लेकिन खुदियाने का काम तो मर्द का है ना। खूंटा पे अड़त नहीं खे? अरे मैंने बच्चे की जान लोगे क्या खूंटा पे अड़ा के हैं? और वैसे भी आपके पास खूंटा है क्या? क्यों, तुझे चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो बता देना, मेरे पास है। अच्छा तो एक बात बताओ मैडम कि पियावा को पलंग पे चढ़ाना क्यों है? अच्छा, वैसे विकास तो पूरा देश का ही रुका हुआ है। हाँ, क्योंकि देश चलाने वाले भी बिना पलंग वाले ही हैं। अगर पलंग वाले होते तो विकास अभी तक विकसित होकर चड्डी पहन के घूम रहा होता। मच मच ना करावेला? मच मच का होता है भी? मैं गलत बोल रही है, मच मच नहीं हच हच होता है। लो, एक ये है जिनका पिया पलंग पे चढ़त नहीं खे, और एक ये है जो साले साल जन्मा रही है। अरे अब साले साल तुम जन्मा रही हो तो कोई पड़ोसी थोड़ा ना दोषी होगा? नहीं हो भी सकता है, नहीं तो लड़का के पापा कहने पर गाना थोड़ी ना बनता है। एक मिनट, है छोटका तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये वही है ना जो पापा कह रहा था? हाँ वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि साले साल जन्माने में पड़ोसी की थोड़ी बहुत मेहनत तो जरूर है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, बच्चा पैदा करे के जिम्मा तुहार बा, तो आप क्या करोगी मैडम? और वैसे भी वो बच्चा पैदा करेगा कैसे? नहीं मैंने पूछ रहे हैं। तो पगला गए हो का बे? सही बात है, प्रमोद प्रेमी से सीखो कि मेहरारू कैसे कूटते हैं। बहुत जल्दी सीख गया भाई। और नहीं तो क्या, सबको खेसारी लाल समझे हो कि मेहरारू के डर से लुग्गा फिचेंगे? देखो हाउ लुग्गा धैल बा आदमी खानी फिच दो। हाँ ठीक बा, जल्दी जा। अब मैं नील कमल के वीडियो में खेसारी लाल का गाना क्यों बजा रहा हूँ? अब देखो क्या है कि पबजी जो है वो नाम बदल के फिर से लॉन्च होने के लिए रेडी बैठा है, और लॉकडाउन भी लगा हुआ है तो मुहूर्त भी अच्छा है, तो लॉकडाउन पार्ट टू में पबजी पार्ट टू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तब तक मैं सोनू का सुधाकर सीधा करके आता हूँ।
नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि पीटेंगे भी नीलकमल और छोड़ाएंगे भी नीलकमल, मतलब गांजा वजा पी के गाना लिखे हो का भैया? नहीं, गांजा तो नीलकमल ही पीते हैं, आशुतोष जी तो आंसू पीकर ही चार बोतल के नशे में रहते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।